हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं लेकर के आया बहुत बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल के आया द तमिलनाडु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि चेन्नई से निकोरा में निकल के आई है। तो यहाँ से जो है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। तो कवर करते हैं, पूरी डिटेल बनाना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, चाहे भले ही किसी स्टेट से जो है आयोग वाली भर्ती ना आ रही हो, लेकिन जो कॉलेजों से और जो यूनिवर्सिटी से रिक्वायरमेंट आती है, उन सभी का नोटिफिकेशन मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन देता रहता हूं। तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो है आप एक जो है अच्छी पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके इंटरव्यू के लिए फेस कर सकते हैं। तो देखिए, बिजनेस अगर लॉ की बात करें तो देखिए, सबसे पहले नेम ऑफ डिपार्टमेंट बिजनेस लॉ में टोटल 4 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। और कंट्रक्शन लॉ की बात करें 4 पोस्ट है, इंटेलिजेंस पोट्री लॉ की बात करें तो टोटल 4 पोस्ट है, इंटरनेशनल्स लॉ एंड द ऑर्गेनाइज में टोटल 4 पोस्ट है, एनवायरमेंटल लॉ एंड लीगल ऑर्डर में टोटल 4 पोस्ट है, और क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल 4 पोस्ट है, और लॉअर क्लर्क में टोटल 3 पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में 1 पोस्ट है, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन में टोटल 4 पोस्ट है, टेक्नोलॉजी में लॉ में 4 पोस्ट है, और क्राइवाइक स्पेस लॉ एंड जस्टिस में टोटल 4 पोस्ट है, और मैरिटिक क्या है मैरिटाइम्स लॉ में टोटल 4 पोस्ट हैं, और इंटेलिजेंस स्टडीज़ में और इंग्लिश की टोटल 4 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स में 3 पोस्ट हैं, सोशोलॉजी में 2 पोस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 2 पोस्ट हैं, कॉमर्स में 1 पोस्ट, और कंप्यूटर साइंस में टोटल 2 पोस्ट हैं। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अगर लास्ट डेट की अगर बात करते हैं तो देखिए, लास्ट डेट जो है इसकी रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन फॉर्म 5 अप्रैल 2023 तक आप शाम को 5:45 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। और आप भी इसी तरह के अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आज ही मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और पा सकते हैं प्रत्येक दिन एक नई अपडेट।